हेलो फ्रेंड्स, GSTR 9 और 9C डेट एक्सटेंशन की सभी वेट कर रहे थे। इस पर एक नया अपडेट है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट के लिए। तो आप सभी को ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि GST पोर्टल पर जो हमारी GSTR 9 और 9C की जो ड्यू डेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ, एनुअल रिटर्न GSTR 9 जहाँ पे अभी तक जो ड्यू डेट शो हो रही थी 30 सितंबर, अभी वो ड्यू डेट शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। या तो ये गवर्नमेंट जल्दी ही इस डेट को एक्सटेंड करने वाली है, जो कि 99% चांसेस हैं कि ये डेट एक्सटेंड होगी। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ वो भी आपको अभी दिखाऊंगी। या फिर ये जो है एक टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है। तो GSTR 9 और 9C डेट एक्सटेंशन के लिए जो काफ़ी सारी उम्मीदें हैं वो लगाई जा रही है। कई स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन है तो उनके लिए फाइलिंग इसलिए भी थोड़ी मुश्किल हो रही है। साथ ही मैंने आपके साथ पहले भी एक वीडियो में शेयर की है ICAI की ये रिप्रेजेंटेशन, जो उन्होंने GST काउंसिल को रिक्वेस्ट की है GSTR 9 9C की डेट एक्सटेंशन के लिए, कि 9 जो है 30 सितंबर से 31 दिसंबर 2020 तक इसे एक्सटेंड किया जाए। इसी के साथ साथ जो हमारी नेशनल एसोसिएशन ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को कि जो GSTR 9 और 9C की जो डेट है उसे जो है एक्सटेंड कर दिया जाए 31 दिसंबर 2020 तक। तो ये सभी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद GSTR 9 की जो डेट है वो फर्दर एक्सटेंड होने जा रही है, इसीलिए पोर्टल से इसे हटा दिया गया है। या फिर ये एक टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूँ, GSTR 4 के केस में भी यही हुआ था। GSTR 4 के केस में पहले जो डेट एक्सटेंड हुई थी वो पोर्टल पर अपडेट हुई थी और उसके बाद नोटिफिकेशन से हमारे साथ वो शेयर हुई थी। तो GSTR 9 के केस में भी ऐसा कुछ हो सकता है, या तो पोर्टल पर अपडेट हो सकती है या कोई ट्वीट या फिर किसी नोटिफिकेशन के थ्रू जो है डेट एक्सटेंशन की न्यूज़ आ सकती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे साथ शेयर हो, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करें।